गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लवली इनु फाइनेंस कॉइन के बारे में। तो गाइस आखिर मैं कौन सी अपडेट लेकर आई होंगी इस वीडियो में लवली इनु फाइनेंस कॉइन रिलेटेड, आप वही सोच रहे होंगे। तो गाइस कुछ अपडेट्स हैं जो कि अभी फिलहाल में कुछ ताज़ा खबरें निकल के आ रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहें। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी लवली इनु न्यू खोला हुआ है, जैसे आप सभी को पता है कि इसकी माइग्रेशन हुई है और इसका लवली इनु न्यू भी आ गया, ओल्ड भी है अभी पड़ा हुआ। और न्यू में आप देख सकते हो इसका प्राइस है $0.02 के अप्रॉक्स में आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाता है विद 0.38% के पंपिंग के साथ वन डे के अंदर। तो गाइस नो पम्प नो डम। तो आखिर इसमें पंप हो क्यों नहीं रहा है भाई, हम लोग का तो आने वाला है, इसमें एनिवर्सरी होने वाली है ना इसके कुछ दिनों में, 9 दिन बाकी रह गया है बस, और लेकिन अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं। तो आखिर क्या अपडेट है, आगे क्या होने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, एक भी पार्ट मिस मत करिए। तो चलिए बढ़ते आगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे और क्रिप्टो मार्केट से आप एक अच्छा मुनाफा के साथ नॉलेजफुल अपडेट जान पाएँ। तो फर्स्ट हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 30th जुलाई को क्या है, तो 30th जुलाई को इनका एनिवर्सरी है गाइज। तो गाइज उसके आगे क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्स योर टारगेट प्राइस, यानी कि इन्होंने टारगेट प्राइस भी भाई निकाल दिया कि आप लोगों की तरफ से क्या टारगेट प्राइस है भाई, अपना बताओ। तो उसमें कुछ है $0.8, $1, $3.7 एंड $8.2। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है $0.8 पे, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि लोगों को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग को पता है भाई उतने डॉलर तो हो ही नहीं सकते, तो $0.8 लास्ट टू लास्ट था, तो इन्होंने वही डाल दिया विद 32% उसमें वोटिंग हुई है, 2300 में से 32% उसको है और 29% $1 को हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीट लवली फाइनेंस लिटल लव बिग ड्रीम, HTX की तरफ से भी यहाँ पे एक लवली इनू के लिए स्पेशल ट्वीट देखने को मिली है कि लवली इनू फाइनेंस इज अ पायनियर इन द डिजिटल एसेट एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री डेडिकेटेड टू इवोशनलाइजिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इंगेज। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सिंपल एंड सिंपल होल्ड लवली ऑन बेस चेन गेट रिवार्डेड विद 1% वीकली, यानी कि अगर आप बेस चेन पर अपने लवली को होल्ड करते हैं तो आपको 1% वीकली रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि हर हफ्ते आपको 1% का रिवॉर्ड मिलेगा लवली इनु की तरफ से। मार्क योर कैलेंडर दिस इवेंट विद एंड जॉन, यानी कि 30th अगस्त को जैसे इनकी एनिवर्सरी हो जाएगी ये रिवॉर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस पर ट्रेडिंग करते हैं लवली इनु पे तो आप वहाँ पे अगर करते हैं तो आपको 1% का रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी 30th को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भैया अभी अगर मान लो हमने ट्रेड कर लिया इसमें, उसके बाद 1% का चलो रिवॉर्ड भी ले लिया, बस 30th के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट तो इसको उनसे मिलने वाला है नहीं, वही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंसाने वाली सीधी सीधी बात मेरे को तो यहाँ तक लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ट्यूटोरियल विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग योर ERC-20, यानी कि कुछ इनका अपना कैसे कैसे इनको बाय वगैरह किया जाता है वो इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 days लेफ्ट अंटिल द बिग डे, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गया, 10, 9, 8 जितना बोलो, थर्ड एनिवर्सरी को। और हाँ क्या होने वाला है, तो 5 exchanges पे गाइस होने वाली है लिस्टिंग, और वो कौन से एक्सचेंज है अभी कुछ पता नहीं है, बट हाँ ये नो कि 5 exchanges की लिस्टिंग होगी, इट मीन्स कि इनकी एनिवर्सरी के बाद ही, तो एनिवर्सरी के 1-2 दिन पहले होगी लिस्टिंग, उससे पहले अभी फिलहाल में तो नहीं होने वाली है, कुछ दिन के बाद होगी इसकी लिस्टिंग। तो गाइज यही कुछ बातें आपको देखने को मिल रही है कि लवली इनु फाइनेंस में आखिर आगे क्या होने वाला है, बस यही है कि प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, बस जो पैसा है हम लोग का वो इस बार निकालने की कोशिश करेंगे, बट हाँ अगर आपका $200-$300 का $10-$20 है तो उसको निकाल ही के आप क्या ही कर लोगे, तो इससे अच्छा उसमें ही रहने दो। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आओगे।